चलो बेटा बढ़िया से बोल दे चलते ना क्या हो निकाल ले प्रभात बोल दे इसी में देना इंटरव्यू इसकी क्या वो टी शर्ट वो टी शर्ट गर्म जैसे करना रोल है सर यहीं से स्टार्ट करेंगे कमांडर करण सक्सेना अगर आप कुछ बता सके कि टी शर्ट आपने पहनी है जी यू नो स्पॉटिफाई की बड़ी कमाल की सीरीज है हम लोग हमेशा यू नो जब छोटे होते थे ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो बड़े कमाल के नॉवेल्स मिलते थे स्टेशन पे जो एक्साइट करते थे कि यार कैसा होना चाहिए सुपर हीरो एक्चुअली क्या था जितने उस स्पाई की कहानियाँ हम लोग सुनते थे और उसमें कमांडर करण सक्सेना की कहानी सबसे कमाल की होती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि यार ये होना चाहिए एक्चुअली जो रियल जेम्स बॉन्ड की बात करें हम लोग सो आज जब दुनिया उसे देखना चाहती है सुनना चाहती तो स्पॉटिफाई ने बड़ा एक कमाल की दुनिया क्रिएट की है जिसमें आप पॉडकास्ट के थ्रू सुनेंगे कि कहानी कैसी दिखाई देती है सो दैट्स द मैजिक ऑफ द होल सीरीज और मैं उसमें जो लीड कैरेक्टर है कमांडर करण सक्सेना निभा रहा हूँ और बड़ा कमाल की दुनिया क्रिएट की वो बोलते हैं कि जब आप सुनेंगे तो आपको सब दिखाई देगा या अभी शूट हुआ है उसके प्रोमोज हैं और आने वाली है सीरीज 15 अगस्त से आप उसे सुन पाएंगे महसूस कर पाएंगे और कमांडर करण सक्सेना का एक बड़ा कमाल का डायलॉग है कि जब कमांडर आता है तो भवंडर आता है सो आई थिंक वो एक होता है ना जब हम लोग ये सब सीरीज खेलते थे स्पाई सीरीज तो कुछ ना कुछ लाइंस बड़ी कमाल की रहती थी सो आई थिंक दैट वाज द यूएसपी उस समय बचपन में और आज जब रियल में करने को मिल रहा है सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इस साल भारत जो है 75वां अपना इंडिपेंडेंस डे क्या सेलिब्रेट कर रहा है आप कुछ कहना चाहेंगे एंड कितना ब्लेस्ड मोमेंट करते हैं आई फील कि हिंदुस्तान की बात करें तो हर रोज़ हमें इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है हमारे लिए क्या मायने रखती है हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी देश के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 15 अगस्त वो दिन वापस आपको याद दिलाता है कि आप हिंदुस्तान के एक ऐसे नागरिक हैं जो जिसमें आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं आपको अपने कंधों पर लेनी है देश को प्राउड महसूस करवाना है गर्व आपको होना चाहिए कि आप हिंदुस्तानी हैं और देश को आप पर गर्व होना चाहिए तो आई थिंक वो एक याद दिलाने का दिन ज़रूर है और मुझे उम्मीद है और कि दुनिया जब 15 अगस्त आएगी तो देश के अंदर और लोग एक दूसरे की मदद के लिए बाहर आएंगे और बेहतर देश बनाएंगे सर एक बहुत स्पेशल फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा लेकिन लोग काफ़ी नाराज़ हैं अभी भी आमिर सर से क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया था 3-4 साल पहले तो क्या कहना चाहेंगे माफ़ कर देना चाहिए लोगों को क्योंकि इंटॉलरेंस पर जो कहा था लोग कह रहे हैं कि बायकॉट करनी चाहिए इस फिल्म को मैं यार इस पर कुछ मैं कमेंट नहीं देना चाहूँगा आई थिंक वो अलग दुनिया है मुझे लगता है कि अच्छी अगर फिल्में आती हैं बड़ी मेहनत से बनती हैं और उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको उनका ड्यू ज़रूर मिलना चाहिए एक आखिरी सवाल इंडिपेंडेंस डे के मौके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस बार सभी जो है जोर शोर से सेलिब्रेट करो हर कोई अपनी डीपी रखे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत कमाल की तरफ से क्या कुछ स्पेसिफिक क्लासिक देखने को मिलने वाले आपके फैंस भी आपके घर आते हैं तो कुछ करने वाले आप बहुत कमाल का मुझे लगता है मैसेज है हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमें यू नो घर घर एक तिरंगा होना चाहिए ताकि हम लोग प्राउड महसूस करें हम जब दूसरे देशों में जाते हैं हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने अपने घरों पे फ्लैग्स लगाए हुए हैं आई थिंक हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए और बड़ा कमाल का मैसेज है एंड आई थिंक जब आप देखेंगे तो हर रोज़ आपको ये इस बात की एक जिम्मेदारी महसूस होगी कि आप एक इंडियन हैं और हिंदुस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाना है तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आपकी कुछ विश करना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 75वां इंडिपेंडेंस डे है हमारे भारत का सो जस्ट मैं सभी भारतवासियों को 75वां साल है इंडिपेंडेंस डे का है और सबको बहुत बहुत बधाई हो कमाल का काम करें देश को गर्व महसूस करने वाला काम करें लोगों की मदद करें और ताकि हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सके कि आप हिंदुस्तानी हैं थैंक यू सो मच
वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं, कभी मुंबई आओ या मैं कोलकाता आऊंगा, पक्का मिलूंगा आप लोगों से। मैं कह जब मैं कलकत्ता आता हूँ मिलता हूँ आप लोगों से। चल ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, डू वेल, खुश रहो सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तूने लिया अच्छी पिक्चर और ले लेते हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू। जाओ 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 जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। कौन ले रहा है पिक्चर? मैं ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। अबे आजा मेरे दूसरे सीन में। भाई भाई भाई, हो गया, चलो भाई को भी जान दो। अबे सारे ले रहे, साथ शूट चल रही है दूसरी, चला जा।